सा ये इश्क है, अजब सा इश्क। एक सौ एक, एक सौ दो, एक सौ तीन। हो गया भाई, किस बात के लिए इतने दंड पिल रहे हैं? कहीं तेरे भी ब्याह का सपना तो नहीं देख लिया अपने? या तो आप जैसे का भी हो गया हिम्मत भाई, पर मैं यो दंड बैठक तो हातिम जैसे ताकतवर और जाबाज बनने के लिए पेल रहा था। हातिम? यो कौन सी चिड़िया का नाम है भाई? हिम्मत भाई, हातिम कोई चिड़िया नहीं बल्कि एक शेर है, एक ऐसा शेर जो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि दिमाग का भी धनी से। उसके हैरत अंगेज कारनामे हर बच्चे की दादी उसने बचपन में सुनाया करती। ऐसा क्या कर देते रहे साथी मने? उसने वो किया जो शायद ही कोई कर पाया। अरे बड़े से बड़े राजा महाराजा अपने शहर ने बचाने के लिए, अपने देश ने बचाने के लिए लड़ा करते थे, और हाथी में एक ऐसा मसीहा था जिसने पूरी दुनिया के लिए लड़ा। अरे वो आप और मेरे जैसा तो एक आम इंसान था जो अपने आप ने खोजने के लिए निकल पड़ा था। अरे उसकी वीरता के बारे में तो क्या कहूं, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। बस अब मने अकेला छोड़ दो और हातिम के नक्शे कदम पे मने चलने दो। पर वो बावड़ी पूछ, तने कौन से दुनिया का भला करना है? मने दुनिया का भला नहीं करना, पर इस परिवार का भला करना है, भाभी का भला करना। मैं राजवीर बहन ने ढूंढ के वापस इस घर में लेकर आऊंगा। जैसे हातिम ने पूरी दुनिया को खुशी दी थी ना, वैसे ही खुशी मैं इस परिवार ने देना चाहता हूँ। ना तो मैंने तेरे पे यकीन है ना तेरे हातिम पर, जिसने तू इतना शक्ति मान कब है। हिम्मत भाई, हातिम की शक्तियों ने समझने के लिए ना अपने कई जन्म लेने पड़ेंगे। अगर आप मारे से पंजा लगा लो ना तो यो आपके लिए बड़ी बात होगी। रहो बावड़ी पूछ, कति तू हार गया ना अपनी तो बेइज्जती कराएगा कराएगा, इस हातिम की भी कराएगा। अरे एक बार चालू तो करो फिर देखा। आ जाओ, तू भी सोच ले भाई, सोच ले। मान गया तन्ने भी और तेरे साथी मने, मन्ने माफ कर। मन ने तो सोचा था वो राजवीर मर के बहुत ज्यादा परेशान हो रही होगी, चलो उसने फोन करके अपनी सही सलामती की खबर दे दूं, पर यो क्या तू तो खुश होने की बजाय मन ने दोष दे रही। राजवीर के बिना मैं खुश कैसे रह सकती हूँ माँ जी? माँ जी आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, बस राजवीर निकले आइए। मन को तो दूर मत कीजिए माँ जी, मत करिए। ए भयो दुख तो तन्ने पूरी जिंदगी सहना पड़ेगा। ये राजवीर तो क्या है, इब तो मैं तन्ने उसके सहने भी देखने न दूंगी। पर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है माँ जी जिसकी आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही है? तेरी सबसे बड़ी गलती यो थी सिमरन, तन्ने मारे गए पंगा लिया। यो आखिरी बार तन्ने फोन यो ही बताने के लिए कर रही हूँ, इब तू राजवीर से पूरी जिंदगी कदे मिल ना पावेगी। ऐसा मत करिए माँ जी, गड़गड़ा।
चिड़चिड़ा सिमरना यो ही तो मैं चाहती हूँ। तू अपनी पूरी जिंदगी तड़प राजवीर से मिलने के लिए, यो ही तेरी सजा है। तेरी और राजवीर की प्रेम कहानी का यो तो क्या, अपनी उम्मीदें कभी खत्म मत होने दो। हो सकता है कि बुआ जी के पास कोई भी परिंदा पर ना मार सकता, और आपका प्यार आपने राजवीर भाई तक जरूर ले जाने, अपने प्यार पे भरोसा रखो भाभी। जगी भैया, नाना इंस्पेक्टर गप्पू से इस केस के बारे में मिलनी थी, अगर हमने इस फोन कॉल के बारे में बताया तो शायद वो उसे ट्रेस कर सके। पर भाभी आप क्या उन्हें बता सकती है कि राणा उस इंस्पेक्टर मिलने कहां गई? गांव के बाहर जो पंचायती मैदान है ना, वहीं मिलने गई है। जल्दी आजा मेरे सपनों की रानी, तेरे दिल का राजा तेरी झलक पाने के लिए बेकरार हो रहा है। इससे पहले कि ये बेकरारी थोड़ी बढ़ जावे, शक्ल दिखा जा। आने में इतनी देर क्यों लगा दी परी? आने की जल्दी तो मन ने भी बहुत थी, पर क्या करूं, जवान छोरी का अकेले घर से निकलना इतना आसान थोड़ी ना हो गए। आप मजबूरियों की मारी और हम इश्क के, पर जब थोड़ी देर और लगा दी होती तो जाने क्या कर बैठता मैं। ऐसे मत कहो गबरू जी। तो कैसे कहूं, तुम ही कह दो, तारे दिल में क्या चले है? इस वक्त तुम्हारे दिल में सिर्फ राजवीर भाई के सिवा और कुछ ना चल रहा से। घबरू जी, आप भाई ने ढूंढ निकालेंगे ना? जो बात कह के आपने मारा दिल तोड़ दिया, विश्वास प्यार की मेरा मतलब है दोस्ती की सबसे पहली सीढ़ी होवे है, जे आपको मारे पे विश्वास ही नहीं तो क्या फायदा मारे जीने का? नाना घबरू जी, ऐसी बात ना से, विश्वास है तभी तो मैं आपने अकेले मिलने आई हूँ। वो दरअसल मारे से मारी भाभी की हालत देखी ना जा रही है, मारे भाई और भाभी एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आपने क्या बताओ, सब घर वाले कितने परेशान हैं। आपके सिवा मने कोई दूसरी उम्मीद ना नजर आ रही से, आप हमारी मदद करेंगे ना? मने माफ कर दो परी जी, पर लागे मने बहुत बड़ी गलती कर दी। ना गबरू जी, आप कोई गलती ना कर सको, मने यकीन से। गबरू सिंह चौहान भी खुद पे इतना ज्यादा यकीन करने वाली को धोखा नहीं दे सकता। मारे ने आपसे बहुत बड़ी बात छुपाई है। कौन सी बात गबरू जी? मैं कोई पुलिस वाला नहीं।
स्ट्रगलर एक्टर हूँ जो कि हरियाणा की फिल्मों में सलमान खान बनना चाहता है। मन नहीं लगता कि मैं आपके भाई ने ढूंढ सकूंगा।